एक और बड़ी इसके ऊपर आते हैं, एक और बड़ी शर्मनाक चीज हुई है भाई। अच्छा, आज रॉबिन फुल स्क्रीन पे आ जाओ। आज जब मुकाबला खत्म होता है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में, तो श्रीलंका की टीम जो क्रिकेट की एक ऐतिहासिक परंपरा है कि आप मुकाबला खत्म होने के बाद सामने वाली टीम के साथ, ऑपोजिशन टीम के साथ हैंडशेक करते हैं, आज का मुकाबला खत्म होने के बाद श्रीलंकन टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया। मुकाबला खत्म होने के बाद कप्तान कुशल मेंडिस सीधा अपनी टीम को वापस ड्रेसिंग रूम में लेकर चले गए और आज हैंडशेक करना जो है वो रिफ्यूज कर दिया गया। क्रिकेट वो खेल जिसे एक जेंटलमैन्स का गेम कहा जाता है और आज यहां पर जेंटलमैन्स की भावना इस मुकाबले में एक नहीं बल्कि दो बार भंग हुई, जहां सबसे पहले एंजेलो मैथ्यूज को एक विवादित तरीके से आउट दिया गया, जब शाकिब अल हसन का एक वो काफी लोग कह रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट बिहेवियर वो कहीं ना कहीं रहा। और मुकाबला खत्म होने के बाद श्रीलंका जो मुकाबला हारा है आज का, श्रीलंका ने भी अपनी असहमति दिखाते हुए उनसे हैंडशेक करने से मना कर दिया। कुशल मेंडिस से भी बातचीत चल रही है, जैसे ही उनका स्टेटमेंट कंप्लीट होता है उसके ऊपर भी नजर रहेगी कि आखिरकार कुशल मेंडिस वहां पर क्या कह रहे हैं। लेकिन आकाश, क्रिकेट के गेम के हिसाब से, वर्ल्ड कप के हिसाब से शायद ये बहुत एक बड़ा यू कैन से अ नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज जेंटलमैन्स गेम की चीज को शायद खराब करता है और शायद इसी को लेकर आईसीसी की तरफ से बड़े फाइंस भी झेलने पड़ सकते हैं श्रीलंका की टीम को। फाइंस होंगे नहीं होंगे ये तो फिर देखने वाली बात होगी, क्योंकि हैंडशेक नहीं हुआ इसकी वजह से फाइन, आई डोंट नो, पता नहीं उसमें ऐसा देखेगा रूल्स होते हैं कि आपको हैंडशेक करना होता है, हैंडशेक के वजह से फाइन आप कर दो, ये मुझे नहीं पता कि शायद इसके लिए कोई फाइन लगती या नहीं लगती। लेकिन हाँ, जेंटलमैन्स गेम की एक तरीके से धज्जियां उड़ाकर रख दी गई आज के दिन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं नहीं दिखा पूरे गेम में। अब अगर आप बता रहे हो कि कुशल मेंडिस ने भी वहां पर हाथ मिलाने से इंकार कर दिया, नहीं मिला वो अलग लेकर चले गए, तो थोड़ा सा देखो दिल बड़ा रखना चाहिए। देखो अब एक टीम ने कर दिया, शाकिब अल हसन ने वो जेस्चर दिखाया, वो लोग उनको लेकर ब्लेम कर ही रहे हैं हर तरफ सोशल मीडिया पर, बहुत ऐसे परसेंटेज काफी ज्यादा है, मेजोरिटी ऑफ लोग जो है उस समय पर शाकिब को ही गलत ठहरा रहे थे उस तरीके से आउट करवाने के लिए, रॉबिन व्हाट्सएप के लिए वहां पर वो जो टाइम डॉट का इंसिडेंट हुआ उसके लिए मेजोरिटी ऑफ द लोग, मतलब मेजोरिटी आप मानकर चलो ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए था। नियम जो मर्जी हो, फोर्थ अंपायर ने भी वहां पे बताया, जो भी थे इस मैच के उन्होंने बताया कि 2 मिनट से लेट हो गया था वो जो हेलमेट का स्ट्रिप जब उनका निकला था एंजेलो मैथ्यूज का, बट यार 2 मिनट से लेट, एक विजुअल ऐसा भी था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि 2 मिनट्स के अंदर अंदर एंजेलो मैथ्यूज वहां पर पहुंच चुके थे, क्रीज पर पहुंच चुके थे, ऑलमोस्ट बैटिंग करने के लिए रेडी थे, तो ये भी चीज एक तरफ है। अब इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने जो किया, अब श्रीलंका भी अगर उसी धर्रे पर चलेगा, अगर वो जो करेंगे टिट फॉर टैट वाली कहानी अगर आप करोगे, तो फिर अल्टीमेटली गेम का नुकसान है, गेम का जो एक जेंटलमैन्स गेम कहते हैं। और कुशल मेंडिस का भी स्टेटमेंट आया है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, बात करते हुए कुशल मेंडिस ने कहा है, आई एम डिसअपॉइंटेड अंपायर्स कुडंट अंडरस्टैंड द कॉमन सेंस द एंजेलो मैथ्यूज हेलमेट वॉज एन इक्विपमेंट फेलियर। तो कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस यहां पर अंपायर्स को भी दोषी ठहरा रहे हैं, भाई एक कॉमन सेंस वाली बात थी, अंपायर्स को उसके बारे में जरूर पुट इन स्टेप इन करना चाहिए था और एंजेलो मैथ्यूज को बैटिंग करने का मौका देना चाहिए था। साथ में ये भी जो है वो कुशल मेंडिस क्लेम कर रहे हैं कि देयर वर फाइव सेकेंड्स लेफ्ट देन ही फाउंड आउट स्ट्रैप ऑफ द हेलमेट केम ऑफ, इट्स डिसअपॉइंटिंग, अंपायर्स कुडंट स्टेप इन एंड मेक करेक्ट डिसीजन। तो भाई श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने तो जरूर यहां पर जो है एक हल्की सी असहमति दिखाई अंपायर्स के साथ भी, जरूर बांग्लादेश की टीम से तो वो लोग पूरी तरह से असहमत है, क्योंकि मुकाबला खत्म होने के बाद जहां उन लोगों से हाथ भी नहीं मिलाया गया है। अब शाकिब अल हसन यहां पर आए हैं, शाकिब अल हसन से भी देखना होगा, शाकिब अल हसन का भी स्टेटमेंट आ रहा है। शाकिब अल हसन कह रहे हैं कि वन ऑफ आर फील्डर्स केम टू मी एंड सेड इफ यू अपील नाउ इट विल बी आउट, देन आई अपील एंड अंपायर आस्क मी इफ आई एम सीरियस, इट्स इन द लॉज, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग देयर विल बी डिबेट्स, आई हैड टू टेक डिसीजंस टू मेक श्योर माई टीम विंस। इसको लेकर उन्होंने यही बात कही है कि जब ऐसा हुआ, रॉबिन आप जरा अभी वापस ऐड चला दीजिए और शाकिब अल हसन का स्टेटमेंट भी निकाल के हल्का सा दिखा दीजिएगा। अभी अगर आप एग्जैक्टली यहाँ से देखें तो शाकिब अल हसन ये कह रहे हैं कि एक फील्डर मेरी टीम के मेरे पास आए, फील्डर ने मुझे कहा कि अगर अभी आप अपील करेंगे तो ये आउट दे दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैंने अपील कर दी और अंपायर ने पूछा भी कि आप सीरियस हैं कि आप इस चीज को लेकर अपील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो भी चीज रूल्स में है, लॉज में है और वो मेरी टीम को जितवा सकती है तो मैं उसका पूरी तरह से उपयोग करूंगा। एंड ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एवरीवन कि शाकिब अल हसन से शायद ज्यादा
स्मार्ट कैप्टन नहीं है इस सेंस में जिसको शायद क्रिकेट के सभी रूल्स बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, बिकॉज इस पूरे वर्ल्ड कप में जो चैंपियंस ट्रॉफी का मसला शुरू हुआ है ना कि टॉप की 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करेंगी, इसके ऊपर भी सबसे पहले जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब अल हसन ने किया था, उसी के बाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मुद्दा सभी को याद आ गया कि टॉप की 8 टीमें तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने वाली है। सो वन ऑफ द स्मार्ट एंड कनिंग कैप्टन यू हैव टू सी, उन्होंने कहा कि आई एम 36 and 5 डजंट कम सो इजिली। यहां पर भाई शाकिब अल हसन का स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग में कहा व्हेन आई वॉन द टॉस डिडंट हैव एनी हेजिटेशन टू बोल, वी हैव ट्रेन्ड हियर एंड नो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्यू, इट्स वेरी गुड पार्टनरशिप एंड वी वुड हैव लव टू फिनिश इट ऑफ, वन ऑफ आवर फील्डर्स केम टू मी। अब यहां से वो बड़ा बड़ा पॉइंट है, अगर आप देखें तो भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तीसरी लाइन है उसकी एंडिंग से ये स्टेटमेंट शुरू हो रही है, वन ऑफ फील्डर्स केम टू मी एंड सेड इफ यू अपील नाउ इट विल बी आउट, देन आई अपील एंड अंपायर आस्क me if I am serious, if it is in the laws I don't know if it is right or wrong, I have to take decisions to make my team win, right or wrong there will be debates. अब यही भाई हटा दीजिए रॉबिन स्टेटमेंट, यही जिस तरह से आपने देखा कि शाकिब अल हसन का जो स्टेटमेंट आया है वो भी अपनी जगह भी ठीक है आकाश, रूल्स के अगर तहत देखा जाए, चलिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बांग्लादेश ने नहीं रखी, शाकिब अल हसन एक वो कप्तान है, बांग्लादेश एक वो टीम है जिसने शायद इससे पहले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के उदाहरण कुछ उतने अच्छे दिखाए भी नहीं है आपको। जो इंसान अंपायर से जाके चिल्ला चिल्ला के लड़ता है, जो इंसान शायद गुस्से में स्टंप्स को उखाड़ के फेंक देता है, अपने पैर से लात मार के स्टंप्स को उखाड़ देता है, तो उस शख्स के लिए क्रिकेट के लॉस के अंदर रहते हुए कोई ऐसी चीज करना गलत नहीं। बट मैं एक और चीज के लिए आकाश काफी इंटरेस्टेड हूं कि रविचंद्रन अश्विन के इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि रवि अश्विन आई ऑलवेज से हिम द साइंस बुक ऑफ क्रिकेट, जिस तरह वो साइंटिफिकली गेम को जज करते हैं, रूल्स के जिस तरह से वो रूल्स को बैक करते हैं, खासकर आकाश जब वो मैनकटिंग वाला इंसिडेंट हो, जिस तरह पूरी दुनिया शायद एक समय पर अश्विन के खिलाफ थी, लेकिन अश्विन हमेशा से मैनकटिंग को एक तरह से सपोर्ट करते थे कि अगर बैटर को वो एक एरिया दिया गया तो वो एरिया से बाहर क्यों आ रहा है, अगर बॉलर आगे जाता है उसके वो नो बॉल हो जाती है, तो बैटर का आगे जाना भी हर एक हाल में वहां से गलत ही माना जाना चाहिए, जो भी वो भी अपनी जगह ठीक है। और अगर अब आज शाम का मैच खत्म होने के बाद आकाश अगर आप इस सारा वाक्य देखें ना, तो शाकिब अल हसन ने जो किया वो रूल्स के अंदर था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन रूल्स के अंदर वो चीज थी। लेकिन कुशल मेंडिस का यहां पर अंपायर्स को थोड़ा सा दोषी ठहराना, और कुशल मेंडिस का आकाश यहां पर आपके लिए एक, लेट मी कंप्लीट, और कुशल मेंडिस का हैंडशेक ना करवाना, ये मेरे हिसाब से गलत। देखो एक पॉइंट था जहां पर डिबेट हो सकती है, जो डिबेट की बात बोल रहे हैं शाकिब अल हसन, इसमें डिबेट हो सकती है, पॉइंट ये था 2 मिनट का समय होता है और अंपायर्स ने भी इसको क्लैरिफाई किया था कि जो जब उनके हेलमेट से स्ट्रिप निकली थी, पीछे की स्ट्रिप जब निकल गई थी तो वो 2 मिनट क्रॉस हो चुका था, उसके पहले तक उन्होंने बॉल नहीं फेस किया था, पॉइंट ये था। और अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से अगर आप देखो तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ 2 मिनट से ज्यादा का समय हो गया था। लेकिन एक विजुअल ये भी आता है जिसमें आप ये देख सकते, आपको पता लगेगा कि वहां पर तकरीबन 2 मिनट से 5 सेकंड या जो कुशल मेंडिस जिसकी बात कर रहे थे कि 5 सेकंड पहले तक एंजेलो मैथ्यूज तैयार थे वहां पे बैटिंग करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम देख भी रहे थे वहां पर फ्रेम में पता लग रहा था कि तकरीबन 2 मिनट से 5 सेकंड पहले तक एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर पहुंच चुके थे, वो बैटिंग करने के लिए प्रॉपर तैयार थे वहां पे, उन्होंने बस हेलमेट का वो स्ट्रिप जो था वो बस टाइट करने गए थे, उसी में उनका स्ट्रिप खुल गया और उसके बाद उन्होंने हेलमेट की डिमांड करी, सब्स्टिट्यूट लेकर आया हेलमेट, और उसके बाद ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ। अब पॉइंट ये है कि 2 मिनट के अंदर अंदर अगर एक बैटर आ जाता है विकेट पर और वो तैयार है बॉल फेस करने के लिए, उसके बाद ये सारी चीज होती है, उस समय पर आप रूल के अकॉर्डिंग रहकर अगर सामने वाले बैटर को आउट करवाना चाहते हो आपके ऊपर है भाई, अगर आप रूल के हिसाब से चलोगे तो फिर ठीक है, अंपायर ने जो आके जस्टिफिकेशन दिया कि उनका जो स्ट्रिप था हेलमेट का जब निकला था वो 2 मिनट क्रॉस हो चुका था, ठीक है उसके अकॉर्डिंग। और वर्ल्ड कप में जो मेन रूल है, जो आईसीसी, जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो इसका रूल बनाती है, उनके हिसाब से 3 मिनट का समय है रहता है किसी भी बैटर के पास अगली डिलीवरी फेस करने के लिए। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है यहां पर वो टाइम फ्रेम 2 मिनट का कर दिया गया है, 2 मिनट में आपको नेक्स्ट बॉल फेस करने के लिए तैयार होना पड़ता है। एंजेलो मैथ्यूज तकरीबन 1 मिनट 55 सेकंड का टाइम था, वो विकेट 1 मिनट 50 सेकंड के बाद वो तकरीबन सेंटर विकेट पर आ चुके थे, वो बैटिंग करने के लिए तैयार ही हो रहे थे, उसके बाद उनका हेलमेट का वो सीन हुआ और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। अब उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो एंजेलो मैथ्यूज तो 2 मिनट के अंदर विकेट पर चुका था, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स ने भी दिखाया उसके अकॉर्डिंग 2 मिनट से कम का समय था, 1 मिनट 50 सेकंड, 53 सेकंड, यही टाइम फ्रेम था वहां पर मैथ्यूज पहुंच चुके थे।
सेंटर विकेट पर, ऐसा नहीं था कि लेट हो गया था प्रकाश रॉबिन बॉल सेट करने के लिए। रॉबिन जरा रूल्स भी दिखाना, रूल्स ना डाउनलोड में पड़े होंगे शायद, वो फोल्डर होगा फाइव एक फोटो होगी और डाउनलोड्स में होगा, वो आकाश ने आज भेजा था तो रूल्स भी। पर अगर अगर आकाश अब रूल्स देखे ना, रूल्स वहां पर ये कह रहे हैं कि यू हैव टू बी रेडी टू प्ले द बॉल, रेडी टू, अब रेडी नहीं थे। अब हेलमेट गलत आ गया, ये चीज एक तो ना एग्जैक्टली इसके बारे में कहीं पे रूल्स में मेंशन नहीं है कि अगर हेलमेट गलत आ गया, कोई आपको पार्ट चेंज करवाना पड़ रहा है, कोई इक्विपमेंट चेंज करवाना पड़ रहा है, उसका क्या सीन है। ऑलवेज दिस विल बी अ वेरी 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 कॉन्ट्रोवर्शियल। मेरे हिसाब से फाइनल ये है कि रूल्स के हिसाब से बांग्लादेश ठीक और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हिसाब से बांग्लादेश। एक गलती हुई है मैथ्यू से, मैं आपको कहूंगा, उन्होंने अपना गार्ड मार्क नहीं किया था बैटिंग करने के लिए। वो जैसे ही आए थे फिर वो बस तैयार हो रहे थे, हेलमेट टाइट कर रहे थे, उसमें वो हेलमेट का स्ट्रिप निकल गया और उसके बाद उनको ये पता नहीं था कि जो टाइम फ्रेम है या टाइम आउट इस तरीके की सीन होगा वहां पर क्रिएट। उन्हें ये चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, शायद उन्हें अंपायर से बात कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद वो हेलमेट मंगा सकते थे, तब शायद इतना ज्यादा सीन क्रिएट नहीं होता। क्योंकि उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने अपना गार्ड मार्क नहीं किया, बॉल फेस करने के लिए वो तैयार नहीं हुए और उसके पहले ही हेलमेट निकल गया, वो स्ट्रिप निकल गई, उसके बाद ये सारी चीज हुई। उनको शायद अंपायर से अगर वो कन्वे कर देते व्हाट्सएप करना है फोटो, उसके बाद ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा वहां पे बात भी होता, मसला भी होता। ये प्रॉब्लम ही हुई है इस वजह से, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज तो तैयार थे, मतलब तैयार हो चुके थे, ऑलमोस्ट बैटिंग करने के लिए रेडी थे। 1:50, 1:53 के आसपास वो विकेट पर भी आ चुके थे और अगले 7 सेकंड का समय टाइम फ्रेम था जिसमें उनको अगला बॉल फेस करना था, उसी बीच में ये हेलमेट उनका निकल जाता है और उसके बाद उन्हें ये पता नहीं था कि इस तरीके से भी मैं यहाँ पर आउट दिया जा सकता हूँ। उनको इस चीज का शायद अंदाजा नहीं रहा होगा और एज एन ह्यूमन बींग शायद वो, मैं अगर एंजेलो मैथ्यूज के जगह पर रहूं अभी तो शायद मैं भी अगर बैटिंग करने जाऊं तो मुझे भी नहीं पता होगा कि अगले 7 से 8 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में ये चीज होने वाला है। अगर मैं बैटिंग, अगर सपोज मैं बैटिंग करने जा रहा हूं, मैं हेलमेट मेरा निकल जाता है तो मैं भी पहले हेलमेट ही मंगवाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं बॉल फेस करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, पहले हेलमेट मंगवाऊंगा। गलती ये हुई कि अंपायर से उन्होंने बात नहीं करी और शाकिबुल हसन को किसी ने कन्वे कर दिया, उन्होंने अपील कर दी रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ल्ड कप में 2 मिनट का समय है। अगर रूल के हिसाब से जाए, जो एमसीसी ने बनाया है उसके हिसाब से वो 3 मिनट का भाई रूल्स है कि रूल्स एमसीसी के ही बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, रूल नंबर 40.1.1 आउट के अंदर जो टाइम डाउट का एक सेक्शन है 40.1 में वो आता है, उसके हिसाब से एक विकेट गिरने के बाद या फिर किसी भी प्लेयर के रिटायर होने के बाद जो प्लेयर उसके बाद बैटिंग करने के लिए आएगा उसको कम से कम 3 मिनट के अंदर तक जो है वो क्रीज पर आके अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होना होगा। एक बात होती है कि ग्राउंड के अंदर आप पहुंच गए हैं, पहुंचना नहीं है, 3 मिनट के अंदर आपको ग्राउंड पर पहुंच के अगली बॉल खेलने के लिए तैयार हो जाना है। ये एग्जैक्टली आपको वहां पर रूल्स कहते हैं। हालांकि कुछ इसमें विवादित ये हिस्सा है कि जो पहले रूल्स थे या फिर जो आईसीसी के रूल्स हैं वो 2 मिनट का समय भी देते हैं, इसलिए स्टार जो है वो उसको 1 मिनट 53 सेकंड के साथ 2 मिनट का समय है। क्योंकि जब अंपायर ने इसको लेकर क्लैरिफाई किया, जो मैच के 4 ऑफिशियल अंपायर थे उन्होंने बताया कि आईसीसी या जो एमसीसी का रूल है उसके अकॉर्डिंग 3 मिनट ही है, लेकिन वर्ल्ड कप में इसे 2 मिनट का रखा गया है। ये अब आईसीसी ने ही नियम बनाया होगा, अगर जो रूल बन रही है, अगर वर्ल्ड कप आईसीसी के अंडर में हो रहा है तो ये सारे नियम तो आईसीसी बना रहा है। चलिए चलो, थैंक यू सो मच आकाश, मैं इसी से वाकिफ नहीं था। 2 मिनट जो फोर्थ अंपायर ने वहां पर अभी क्लैरिफिकेशन की, वैसे तो रूल्स 3 मिनट कहते हैं लेकिन जिस तरह अंपायर ने भी आज बता दिया कि वर्ल्ड कप के लिए आप 2 मिनट देख रहे थे एंड अकॉर्डिंग टू स्टार स्पोर्ट्स अभी उसके अंदर भी 5 सेकंड बाकी थे, उसके बाद हेलमेट वाला केस हुआ जिसके चलते वो 5 सेकंड के काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। यहां पर आप इस पूरे रूल में अगर 3 मिनट को 2 मिनट कर दें, अगर प्लेयर नहीं पहुंचता है तो उसके बाद आप वहां पर देखेंगे कि अंपायर उसे आउट क्लियर कर सकते हैं अगर सामने वाली चीज इसको लेकर अपील कर देती है तो। बिल्कुल रूल्स के हिसाब से श्रीलंका ठीक है, बांग्लादेश के हिसाब से देखो हेलमेट निकल गया, 2 मिनट का समय निकल गया और वो तैयार नहीं थे बॉल फेस करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि शाकिबुल हसन वाज स्पॉट ऑन। उनके जो भी फील्डर थे, पता नहीं नाम तो उन्होंने लिया नहीं, किसने आके कन्वे किया, किसको ये चीज पता थी, अब उसके लिए आप कह सकते हो कि बहुत ही स्पॉट ऑन ब्रेन था उनका जिन्होंने आकर ये कन्वे कर दिया। अगर शाकिब बोल रहे कि मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने कहा, तो अब वो तो उस फील्डर की तारीफ है। लेकिन यार अभी ना अभी वही बात है ना, अभी जो रॉबिन फुल स्क्रीन पे आ जाओ, अभी ना जो स्टार रिप्ले दिखा रहा था ना।